के साथ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री छात्रावास में सफलता के सूत्र विषयक संगोष्ठी का आयोजन हुआ। संगोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि अनिल कुमार सिंह, एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर IPS वाराणसी ने छात्रों को मार्गदर्शित करते हुए बताया कि सफलता के सूत्र में त्रिसूत्रीय आधार, आत्मानुशासन, नियत लक्ष्य का निर्धारण और निरंतर प्रयास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सफलता के लिए निश्चित ही छात्रों को इसका पालन करना चाहिए। चरित्र निर्माण पर ध्यान देते हुए निरंतर प्रयास द्वारा ही सही मायने में सफलता प्राप्त हो सकती है। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता संदीप कुमार ने बताया कि फियर फैक्टर से बचते हुए होप फैक्टर की तरफ बढ़ना चाहिए। स्वाध्याय, कठिन परिश्रम और निश्चित लक्ष्य द्वारा ही सफलता प्राप्त हो सकती है। छात्रों को कंफर्ट जोन से निकलकर लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। संगोष्ठी का संयोजन LVS छात्रावास के प्रशासनिक संरक्षक डॉक्टर अनिल कुमार सिंह द्वारा संपन्न हुआ। संगोष्ठी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकाय के छात्रावास समन्वयक डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्रा, बिरला छात्रावास के प्रशासनिक संरक्षक डॉक्टर रत्नशंकर मिश्र एवं LVS छात्रावास के संरक्षक डॉक्टर उमेश कुमार सिंह, डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति, डॉक्टर ऋषि शर्मा, डॉक्टर प्रदीप कुमार, डॉक्टर जॉस्टॉम राफेल, सरदार पटेल छात्रावास के संरक्षक डॉक्टर धीरेन्द्र राय उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अशोक कुमार ज्योति ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ऋषि शर्मा ने किया। प्रारंभ में विश्वविद्यालय का कुलगीत छात्रावास के छात्र आदित्य दिग्विजय समर एवं भास्करादित्य ने तथा गजेंद्र मणि दुबे ने दीप मंत्र प्रस्तुत किया। तीन मुख्य सफलता के सूत्रों का वर्णन किया उन्होंने कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्यों की दैनिक एक रिपोर्ट बनाइए कि जो हम जो कर रहे हैं वो उस कितना समय हमने 10 बैठे अगर पढ़ने के लिए तो उसको लिखिए कि आप 1 घंटा बैठे, अगर 10 मिनट में उठ जा रहे हैं तो 10 मिनट ही लिखिए, और शाम के समय उसको तय कर लीजिए कि क्या आपने शाम के समय जो तय किया था कि 10 मिनट बैठा, 10 मिनट 5 बार बैठे तो 50 मिनट हुआ, तो 24 घंटे में आपने पढ़ाई के लिए कितना समय दिया, और इस बात को वो इसी तरह से और भी माध्यम कि आदमी को अपने जागने और सोने का अपने लक्ष्य के प्रति ध्येय को जो है साधने की ज़रूरत पड़ेगी, और उस ध्येय को साध के हम सफलता के मार्ग पर अग्रसारित हो सकते हैं, तनाव मुक्त होना पड़ेगा। सच के साथ।